खबरें तफसील से, बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर में आइंदा 24 घंटों में बुनियादी तौर पर ये खुश्क मौसम की पेशनगोई की गई है और इसी के दरमियान जम्मू कश्मीर में कम से कम दर्जे हरारत में रिकॉर्ड की गई है। वादी में कल रात पहलगाम और गुलमर्ग में पारा 0 से नीचे चला गया। वहीं श्रीनगर में पिछली रात पारा 5.7 डिग्री सेल्सियस के मुकाबले में 3.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वाज़ह रहे कि मौसम गर्मा के लिए यह मामूल से 3.1 कम था। तो एक बार फिर आपको बता दें कि जो पेशन गोई है उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर में जो अभी मौसम है वो कुछ अलग ही है। फिर से बताएं, जम्मू कश्मीर में आइंदा 24 घंटों में बुनियादी तौर पर खुश्क मौसम की पेशनगोई के दरमियान जम्मू कश्मीर में कम से कम दर्जे हरारत में रिकॉर्ड जो है वो दर्ज किया गया। रईस मागरे हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रईस, ये जो दर्जे हरारत इस तरह से देखा जा रहा है, कितना इसका असर पड़ेगा लोगों की आम जिंदगी पर और इसमें क्या क्या तब्दीली और कब तक आने की उम्मीद है? जी हाँ, अगर हम देखें तो कुछ दिन पहले जो है जिस तरह से यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड चेंज वेदर में देखने को मिल रही है, उसकी वजह से जो है वो सर्दी फिर से लौट आई है। जो रात का टेम्परेचर है उसमें गिरावट यहाँ पे दर्जे हरारत में आई है। अगर हम गुलमर्ग और सोनमर्ग की बात करें तो वहाँ पे भी सब जीरो जो टेम्परेचर है वो सब जीरो डिग्री पे सेटल हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो लगातार यहाँ पे जिस तरह का मौसम है, अभी 30 मार्च से 1 अप्रैल तक जो है वो बारिशें फिर से हो सकती हैं, लेकिन तब तक जो है एक दो दिनों में मौसम जो है वो अमूमन खुश्क रहने का ही इम्कान है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो टूरिस्टों की अच्छी खासी भीड़ जो है वो कश्मीर में पाई जा रही है, ना सिर्फ डल झील के किनारे जहाँ पे हम अभी मौजूद है, बल्कि जो सोनमर्ग है, गुलमर्ग है, पहलगाम है और भी जो अन्य हेल्थ रिजॉर्ट्स है कश्मीर में, अच्छी खासी टूरिस्टों की तादाद, सयाहों की तादाद पाई जा रही है, जिसको लेकर जो यहाँ के स्टेक होल्डर्स है, टूरिज्म स्टेक होल्डर्स में पाई जा रही है और वो उम्मीद कर रहे हैं कि इसी तरह का टूरिस्ट फ्लो रहे ताकि उनको उससे ज्यादा से ज्यादा जो है वो फायदा हो। वहीं अगर हम वेदर की बात करें तो आज भी जो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग है वो आज ट्रैफिक के लिए खुला है और ये ट्रैफिक हुकाम की तरफ से भी ये कहा गया है कि किसी भी बड़ी जर्नी पे जाने से पहले वो ट्रैफिक डिपार्टमेंट से कोऑपरेशन करे और पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल करे। और हाईवे पे हमने देखा है कि जो श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग है, अगर मौसम ठीक रहता है तो दोनों ओर से जो है वो गाड़ियां चलेंगी, लेकिन अगर मौसम में कोई तब्दीली आती है या बारिशें होती हैं तो उसके जो है वो फैसला लिया जाता है, उसके चलते जो है वो हाईवे को बंद भी किया जा सकता है। और यही वजह है कि लोगों को कहा जा रहा है कि अपना सफर शुरू करने से पहले वो ट्रैफिक डिपार्टमेंट से जो है वो जानकारी हासिल करें, इंफॉर्मेशन हासिल करें, उसके बाद ही वो किसी बड़ी जर्नी पे जो है वो जाएं। जी विशाल, रईस, ये एक बड़ी तब्दीली है और मौसम गर्मा के एतबार से ये जो मामूल के मुताबिक होना चाहिए दर्ज हरारत, उससे ये 3.1 तकरीबन जो है वो कम है। तो ऐसे में क्या इसके कुछ मुज़िर असरात भी होंगे और जो इसके जो माहरीन हैं वो क्या कह रहे हैं कि ये इतनी बड़ी तब्दीली दरअसल किस बात को जाहिर करती है? जी हाँ, जिस तरह से हमने यहाँ पे देखा है कि इससे पहले भी जो है वो अप्रैल में बर्फबारियां हुई है, मौसम इतना खराब हुआ है, बारिशें ज्यादा हुई हैं, लेकिन जिस तरह से अचानक अभी यहाँ पे मौसम में जो है मौसम ने करवट ली है, एक तब्दीली आई है, उसके चलते जो है लोगों को इससे जो है वो थोड़ी फिर से दिक्कत हो रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले यहाँ पे मौसम सही हो रखा था, टेम्परेचर जो है नॉर्मल उसमें इजाफा हुआ था, लेकिन कुछ दिन पहले जिस तरह से बारिशें हुई है, मौसम बदला है, तो उसके बाद जो है वो एक गिरावट दर्जे हरारत में देखने को मिल रही है। और वहीं अगर हम गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम की बात करें तो वहाँ पे भी जो है टेम्परेचर में गिरावट आई है, जिसके चलते जो है जो वहां पे लोग हैं उनको जो है वो फिर से वो चीजें करनी पड़ रही है जो वो विंटर्स में उमूमन करते थे। लेकिन साथ ही ये उम्मीद है कि जिस तरह से जो माहिरीन है वो कह रहे हैं कि इस तरह की जो चेंज है उससे लोगों को जो है वो दिक्कत होती है, लेकिन ये चेंज जो है वो जल्दी जो है वो ज्यादा समय तक नहीं चलेगी और जल्द ही मौसम यहाँ पे जो है वो सुहाना हो जाएगा, खूबसूरत हो जाएगा और उसी तरह का मौसम यहाँ पे जिस तरह से मौसम पाया जा रहा है तो जल्दी ही ये अनएक्सपेक्टेड चेंज जो है ये इस तरह का वेदर जो है वो हट जाएगा और सही से यहाँ पे जिस तरह के मौसम की यहाँ पे उम्मीद है लोगों को वो जल्द ही जो है वो वापस लौट आएगा। जी रईस, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं, एक दूसरी खबर पर नजर डालेंगे। खबर अनंतनाग से है। अनंतनाग जिले के सिलेगाम ऐशमक